इन दिनों एक तरफ जहां कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी घटनाओं के बढ़ते मामले सामने आए हैं, तो वहीं पीडीपी बीजेपी गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। घाटी में इंटरनेट बंद करने की वजह से पत्थरबाजी घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन सियासी गलियारों में बीजेपी पीडीपी गठबंधन में तल्खी देखी गई है। ऐसे में कश्मीर में बिगड़े हालातों के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई मुलाकात में किन मुद्दों पर पीएम मोदी से महबूबा मुफ्ती से बातचीत हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। रियासत की भरपाई हो कि अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, तो क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर का वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो, और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाएं, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां गवर्नेंस का भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो। देखिए इसमें तो सिक्योरिटी, और हम कल मेरी जो है यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी है, उसमें हम बैठ के कोई राय अमल इसमें बनाएंगे जिससे हम ये जो बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक का इस्तेमाल करके या दूसरे जो है पत्थरबाजी के लिए जो उकसाया जा रहा है, पत्थरबाजी के लिए दो तीन वजह है। एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसिल्यूजनड है, जो खफा हैं, जो नाराज हैं, दूसरा जो है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है। तो इस सब पे कल डिस्कशन होगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैंने कहा पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी, तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं। कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है। तो मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों को उकसाया जा रहा है, और ऐसे में घाटी में बिगड़ते हालातों पर लगाम कसने के लिए जरूरी है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। वैसे महबूबा मुफ्ती की तरफ से गठबंधन को लेकर मतभेद सुलझाने पर काम हो रहा है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि राज्य में गठबंधन सही दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी पीडीपी की बातचीत कश्मीर घाटी के बिगड़ते माहौल पर काबू पाने के लिए कितनी कारगर साबित होती है, फिलहाल ये देखना बाकी है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।